मैं शालिनी त्यागी और मैंने एमकॉम किया हुआ एंड आई एम बीएड आल्सो। और मैंने ये सर की वर्कशॉप अटेंड की, मैं दो ही दिन कर पाई, एक दिन मैंने बीच का मिस कर दिया। और मुझे पर्सनली पर्सनल लेवल पर उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरी अपनी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ख़राब है, तो मुझे प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, क्या उनके बीच में गैपिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे खुद अपने लिए पता चली। और अगर मुझे खुद उस फॉर्मेशन के बारे में ठीक से पता होगा, तभी मैं उसको फिर आगे बच्चों को ठीक से दे पाऊँगी, समझा पाऊँगी। और कुछ उसमें मोटिवेशनल सेशंस भी थे, एक सेशन मैंने मिस कर दिया, बाकी जो सर के सेशंस थे वो मैंने सुने, जो कि कुछ चीज़ें मुझे उसमें अच्छी लगी। और वही जो अभी आपने कहा कि हम कोई भी चीज़ किसी दूसरे से डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि हमने वो खुद वो पेन ना लिए हो उस चीज़ के लिए, या हमने खुद उसके लिए वो लेबर ना दिया हो, किया हो। तो टीचर को भी लेबर करना पड़ेगा ना कुछ सिखाने के लिए, पहले उसको भी तो सीखना पड़ेगा ना, एक परफेक्ट लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है मैम, जो बाकी सब हैं उन्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहाँ क्या आते हैं, हम नए आते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, और वो टीचर्स को ऐसे लेवल के टीचर्स को भेज देते हैं जो इस लायक नहीं। बहुत बार ऐसा आया है, अनविलिंगली भेज दिया गया, पता ही नहीं, पेन ही नहीं है। अब क्या करना चाहिए, हमें वापस भेज देना चाहिए? नहीं, वापस नहीं भेजना चाहिए। इसीलिए तो वो मोटिवेशनल लेक्चर्स जो आप देते हैं, वो जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं वो इसीलिए हैं, ताकि वो जो अनविलिंगली लोग आए हैं उनके अंदर वो एक मोटिवेशन आए कि नहीं, हमें कुछ सीखना है, हम यहाँ पर कुछ बेहतर बनकर निकलेंगे यहाँ से। एक दिन का सेशन भी अगर हमने ले रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में कुछ बेटरमेंट होगा, कुछ हम बेहतर कुछ पर्सन बनकर यहाँ से निकलेंगे।